हमारी एक 6 महीने का बच्चा था, अभी तक हम लोगों ने उसका जिक्र नहीं किया था लेकिन आज कर रहे हैं। उस 6 महीने के बच्चे की भी यहाँ पर ठंडी में बैठने के कारण उसकी डेथ हो गई। हम नहीं भूल सकते कि दंगाई व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और इन्होंने जब रोका तो उन्होंने ये बोला कि जहां से बच्चा पैदा करती हूँ वहां बच्चा घुसेड़ के मारेंगे, इस तरह के शब्द थे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग हमारे रक्षक हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। लगातार माँ बहनों की गाली दी गई। 25 तारीख को यही हुआ कि उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे थाने लेके मारा, पहले मेरा मेडिकल कराया गया, फिर मुझे मारा गया, और मारते हुए बस मुझसे एक ही बात कही गई, या तो तुम जेल जाओगी और तुम पे देशद्रोह लगा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, या फिर चल करके घंटाघर का आंदोलन खत्म करा दो। मैंने उनसे एक बात बहुत स्पष्ट कही, वो आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, घंटाघर का आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं शुरू किया, किसी ऐसे व्यक्ति ने, या मैंने भी नहीं शुरू किया। घंटाघर का आंदोलन आम महिलाओं ने शुरू किया। मैंने ये प्रेफर किया कि ठीक है आप मुझे जेल भेज दीजिए, उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया, मारा गया, उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जिस तरह की यातनाएं जेल में दी गई वो आप सोच भी नहीं सकते, कि जो गालियां वो दे रहे थे। हमारी बहन ये उज्मा खड़ी है, ये सबसे पहले यही गई थी, यही बात कर रही थी, क्योंकि एक औरत के साथ बदतमीजी कर रही थी पुलिस, तो इन्होंने जाकर के उसको रोका, और इन्होंने जब रोका तो इन्होंने ये बोला कि जहां से बच्चा पैदा करती हूँ वहां बच्चा घुसेड़ के मारेंगे, इस तरह के शब्द थे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग हमारे रक्षक हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। लगातार माँ बहनों की गाली दी गई। जब मैं आई तो ठूसो, और जिस तरह से गाली दी जा रही थी, हमें लग नहीं रहा था कि हम एक प्रोटेस्टर है, हमें लग रहा था कि हमें कोई आतंकवादी समझ करके मुझे पुलिस उठा रही है, जितनी बेरहमी से मेरे साथ किया गया। अब देखिए कि इस देश में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है और प्रोटेस्ट करने वालों को, आवाज उठाने वालों को इस तरह से जेल में ठूसा जाता है। उसके बाद जिस दिन मेरी रिहाई हुई है उसी दिन मुझे 3 मुकदमे और लगा दिए गए, और उसमें मेरी गिरफ्तारी का वारंट इश्यू कर दिया। लेकिन मैं, चूंकि हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान में बहुत सारे राइट है, उनका यूज करना हमें आना चाहिए। हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कोर्ट हम गए, कोर्ट से जब हमें सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, कोर्ट से हमें स्टे मिल गया, उसके बाद हम यहाँ पर आंदोलन में आए हैं। आंदोलन में हम नहीं थे लेकिन उसके बावजूद थे। हर तरह से जो भी मदद मुझसे हुई है मैंने यहाँ पर की है, मैं उपस्थित हूँ या ना हूँ दोनों तरह से मैंने यहाँ पर मदद की है और मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये आंदोलन नागरिकता के खिलाफ है, देशवासी